بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students of class 4, your subject is general science. Today we will start work for day 5. Chapter number 2, ecosystem. Students, प्रीवियस लेक्चर में हमने रीडिंग कंप्लीट की थी और की पॉइंट्स तक काम कंप्लीट किया था. अब हमने आज एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है. स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 29. हैव यू ओपन्ड योर बुक्स? ओके, स्टार्ट करते हैं. टेक द करेक्ट आंसर. स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पर आंसर्स लिखे हुए हैं. हम इसकी स्टेटमेंट को बुक से पढ़ेंगे और इसका आंसर ये बोर्ड पर मौजूद है. व्हाट इज एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? व्हाट इज एन इकोसिस्टम? फर्स्ट एमसीक्यू है कि इकोसिस्टम क्या है. ऑप्शन ए, सिस्टम ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इज एन एनवायरनमेंट. ऑप्शन बी, एरिया हैविंग अ ग्रुप ऑफ लिविंग एंड डेड थिंग्स. ऑप्शन सी, सिस्टम ऑफ लिविंग थिंग्स इन एन एनवायरनमेंट. ऑप्शन डी, कलेक्शन ऑफ एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स इन एन एरिया. तो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन डी, कलेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स इन एन एरिया. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नंबर टू, ऑल द बायोटिक कॉम्पोनेंट्स आर एनिमल्स, प्रोड्यूसर्स, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. स्टूडेंट्स, जब हम कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम डिस्कस कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि बायोटिक और नॉन बायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं. नॉन बायोटिक कॉम्पोनेंट्स आर नॉन लिविंग थिंग्स विच इंक्लूड वाटर, एयर, टेम्परेचर, सॉइल. And biotic components include living things like producers, consumers, and decomposers. Students, which is the correct option? Option C, living things is the correct option. MCQ number 2, option C is the correct option.
पेज नंबर 30 MCQ नंबर 3 फूड चेन ऑप्शन ए बिगिंस एट अ प्रोड्यूसर बिगिंस एट अ कंज्यूमर ऑप्शन सी बिगिंस एट अ डिकम्पोजर एंड ऑप्शन डी बिगिन एंड्स एट अ प्रोड्यूसर स्टूडेंट्स इन फूड चेन हमने फूड चेन में पढ़ा था कि फूड चेन स्टार्ट कहाँ से होती है फूड चेन प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है ठीक है स्टूडेंट्स और एंड होती है कंज्यूमर पर इसी तरह स्टूडेंट्स जो ऑप्शन ए है बिगिंस एट अ प्रोड्यूसर इज द करेक्ट ऑप्शन MCQ नंबर 3 ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन इज इट क्लियर नाउ MCQ नंबर 4 फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द इकोसिस्टम ऑप्शन ए फॉरेस्ट आर बीइंग कट ऑप्शन बी रोड्स आर बीइंग बिल्ट ऑप्शन सी ट्री प्लांटेशन इज बीइंग डन ऑप्शन डी फैक्ट्रीज आर बीइंग इंस्टॉल्ड तो स्टूडेंट्स विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी MCQ नंबर 4 ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन इन विच ट्री प्लांटेशन इज बीइंग डन स्टूडेंट्स इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए प्रिजर्व करने के लिए या सेव करने के लिए आपको जो है वो ट्री प्लांटेशन करनी चाहिए जिससे आप बहुत सारे वाइल्ड ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट को सेव कर सकते हैं और कंजर्व कर सकते हैं अपने इकोसिस्टम को MCQ नंबर 5 टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स इफ इंसेक्टिसाइड्स आर यूज then the population of birds will student अगर हम insects की population को control करते हैं और हम insecticides को use करते हैं उन्हें kill करने के लिए और population को control करते हैं तो क्या birds की population क्या होगी बढ़ेगी कम होगी या बढ़ने के कम होने के साथ ही बढ़ जाएगी यानी पहले कम होगी और उसके बाद बढ़ेगी या पहले बढ़ेगी और उसके बाद कम होगी स्टूडेंट विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो इंसेक्ट्स को भी खाते हैं तो स्टूडेंट्स पॉपुलेशन जो है वो बर्ड्स की डिक्रीज होगी क्योंकि जब हम इंसेक्टिसाइड्स यानी इंसेक्ट्स को इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे तो बर्ड्स की पॉपुलेशन कम होगी क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो इंसेक्ट्स को खाते हैं तो वो जब इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन कंट्रोल होगी इंसेक्टिसाइड्स की वजह से तो उससे बर्ड्स भी इफ़ेक्ट होंगे तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन इज़ इट क्लियर MCQ नंबर 1 ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन MCQ नंबर 2 ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन MCQ नंबर 3 ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन MCQ नंबर 4 ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड MCQ नंबर 5 ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन इज इट क्लियर स्टूडेंट्स नाउ ट्रू एंड फॉल्स
ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट. नंबर वन, द बर्ड्स मेक नेस्ट्स इन द वॉटर. इज इट ट्रू और फॉल्स? जो बर्ड्स हैं वो क्या अपना नेस्ट पानी में बनाते हैं? फॉल्स. लिविंग एंड नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स मेक द इकोसिस्टम. स्टूडेंट्स, लिविंग और नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स से इकोसिस्टम बनता है. इज इट ट्रू और फॉल्स? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट. consumers make their own food. Is it true or false? Students, consumers जो हैं वो अपनी food prepare नहीं कर सकते, बल्कि producers यानी के plants वो अपनी food खुद prepare करते हैं और consumers वो food को consume करते हैं. So this statement is false. यहाँ F आएगा, यहाँ T और यहाँ पर F. नंबर फोर, क्रो इज अ हर्बीवोर. इज इट ट्रू और फॉल्स? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज क्रो इज एन ओमनीवोर. नंबर फाइव, the relationship between prey and predator is called predation. Is it true or false? This statement is true statement. Is it clear? The birds make nests in the water. False. Living and non-living components make the ecosystem. True. Consumers make their own food. False. Crow is a herbivore. False. The relationship between prey and predator is called predation. This statement is true statement. Clear? Students, next हमने fill in the blanks करनी है. Fill in the blanks. Number one, there are dash components of ecosystem. How many components of ecosystem? There are two components of ecosystem.
नंबर वन एबायोटिक एंड नंबर टू बायोटिक कॉम्पोनेंट्स. प्लैंक नंबर टू बायोटिक कॉम्पोनेंट्स इंक्लूड प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स एंड डैश. बायोटिक कॉम्पोनेंट्स इंक्लूड प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर एंड डैश. डीकंपोजर्स. इज इट क्लियर? ब्लैंक नंबर थ्री बैक्टीरिया एंड फंजाई आर डैश. बैक्टीरिया एंड फंजाई आर डीकंपोजर्स. नंबर फोर सेल्फ सस्टेनिंग एंड ड्यूरेबल इकोसिस्टम इज कॉल्ड अ डैश. सेल्फ सस्टेनिंग एंड ड्यूरेबल इकोसिस्टम इज कॉल्ड डैश. बैलेंस्ड इकोसिस्टम नंबर फाइव द सीरीज ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड अ डैश. फूड चेन. इज इट क्लियर? There are two components of ecosystem. Biotic components include producers, consumer, and decomposers. Bacteria and fungi are decomposers. Self-sustaining and durable ecosystem is called a balanced ecosystem. Number five, the series of eating and being eaten in an ecosystem is called a food chain. Is it clear?
Next is constructed response question. What is the relationship between biodiversity and competition among living things in a balanced ecosystem? Student, biodiversity हमने पढ़ा था, variety of living things like animals or plants, इनकी different variety जो कि एक particular place पर रह रहे हैं उन्हें हम biodiversity कहते हैं, और competition से मुराद है मुकाबला, यानी बैलेंस्ड इकोसिस्टम में, यानी सेल्फ सस्टेनिंग और ड्यूरेबल इकोसिस्टम, वो बैलेंस्ड इकोसिस्टम है, यानी वहाँ पर प्लांट्स और कंज्यूमर्स जो हैं उनके दरमियान में इकोसिस्टम बैलेंस्ड रहे। ये नहीं कि अगर प्लांट्स की स्पीशीज़ जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं और कंपटीशन बढ़ने की वजह से प्लांट्स की स्पीशीज़ कम हो रही हैं तो ये अनबैलेंस्ड इकोसिस्टम होगा। इसी तरह अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि रिसोर्सेज कम होने की वजह से कंपटीशन बढ़ जाता है और उससे हमारा जो इकोसिस्टम है वो अनबैलेंस्ड हो सकता है, रिसोर्सेज कम हैं और फूड के लिए कंपटीशन ज़्यादा है। फूड के लिए कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट में है ऑस्ट्रिच आर द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट बर्ड्स बट दे कैन नॉट फ्लाई टू एस्केप फ्रॉम द प्रीडेटर। दे फाइट विद देयर स्ट्रॉन्ग पॉज और रन अवे एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रिच जो है वो लार्जेस्ट और हैवीएस्ट बर्ड है, ये उड़ नहीं सकता, ये रनिंग बर्ड्स में आता है, बहुत तेज़ दौड़ता है और 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जो लाइट ब्राउन कलर्ड फीमेल है वो अंडे देती है और डे टाइम में वो अंडों पर बैठती है, और जो ब्लैक कलर्ड मेल ऑस्ट्रिच है वो नाइट टाइम में अंडों पर बैठता है और उसे वार्म करता है। अब इनमें दो कलर्स बताए गए हैं, एक लाइट ब्राउन और एक ब्लैक। डिफरेंस ये है कि ज़्यादा हीट मिलने की वजह से अंडे ख़राब भी हो सकते हैं, तो इस वजह से डे टाइम में गर्मी ज़्यादा होती है और ब्लैक कलर हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, जिस वजह से लाइट ब्राउन कलर फीमेल का है वो डे टाइम में अंडों को प्रोटेक्ट करती है, उन पर बैठती है ताकि ज़्यादा हीट ना मिले, और रात के वक्त आपको पता है हीट कम होती है तो एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है एग्स को हैच होने के लिए। तो ब्लैक कलर आपको पता है हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो लाइट रात के वक्त जो है वो मेल अंडों पर बैठता है, उन्हें वार्म, यानी वार्म करता है। तो इस इन्वेस्टिगेट में हमें ये पता चला कि दो कलर्स डिफरेंट हैं और ब्लैक कलर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा हीट जो है वो अंडों को मिल जाएगी तो वो अंदर ख़राब भी हो सकते हैं। इस वजह से लाइट ब्राउन कलर्ड फीमेल जो है वो अंडों के ऊपर बैठती है डे टाइम में और उन्हें प्रोटेक्ट करती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट दिया गया है, इसमें आपने टू बॉटल्स को कट करना है। एक बॉटल को आपने कट करना है ऊपर से और दूसरी बॉटल को नीचे से थोड़ा सा कट करना है, जैसा कि आपकी बुक में दिखाया गया है, और दोनों बॉटल को आपस में जोड़ना है जैसे आप बुक में देख सकते हैं, और उनमें नीचे वाली बॉटल में जिसे आपने सिर्फ ऊपर से कट किया उसके माउथ से, उसमें पानी को फिल करना है, और दूसरी बॉटल में आपने हाफ सॉइल फिर उसमें प्लांट लगाना है, और आपने कुछ दिन तक उसे ऑब्ज़र्व करना है और अपने रिजल्ट्स को लिखना है। इज़ इट क्लियर? We have completed work for day 5. We will meet in the next lecture. Allah Hafiz.
Now we are going to start work for day 6. Students, आज हमने डिक्टेशन वर्ड्स और वर्ड्स मीनिंग्स करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिक्टेशन वर्ड्स. डिक्टेशन वर्ड्स नंबर 1 इकोसिस्टम. इकोसिस्टम ECO इको SYSTEM सिस्टम इकोसिस्टम. नंबर 2 कॉम्पोनेंट्स. कॉम्पोनेंट्स COM कॉम POPO NENTS नेंट्स कॉम्पोनेंट्स. Components. Number 3 grass land GRASS grass LAND land grass land grassland. Number 4 decomposers 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 ded com com popo sers sers decomposers decomposers. Number 5 sustaining sustaining sus TAINING ing sustaining sustaining. Number 6 durable 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 durable. Number 7 predator PRE pre DADTOR ter predator. Number 8 competition COM com PEP TITION competition competition. Number 9 resources R-E-R-S-O-U-R SOUR C-E-S-S resources resources. Number 10 hunting H-U-N-T hunt I-N-G-ing hunting. Number 1 ecosystem components grassland decomposers sustaining durable predator competition resources hunting. Students ये 10 dictation words हैं. इनके अलावा भी बहुत सारे words जो आपने reading के दौरान पढ़े और जो आप question answers के दरमियान पढ़ेंगे उन्हें भी आपने अच्छी तरह याद रखना है. नाउ वर्ड्स मीनिंग्स. दीज आर वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स. नंबर 1 इकोसिस्टम. इकोसिस्टम का मतलब है माहौलियाती निज़ाम. स्टूडेंट्स हमने इकोसिस्टम में पढ़ा था कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स से मिलकर बना है. तो इकोसिस्टम मींस माहौलियाती निज़ाम. नंबर 2 एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट का मतलब है माहौल. अब एनवायरनमेंट माहौल यानी कि
आप घर में हैं तो वो आपका एनवायरनमेंट चेंज है, इसी तरह आप स्कूल आएंगे तो आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा, इसी तरह आप किसी पार्क में जाएंगे तो वहाँ का एनवायरनमेंट होगा। तो एनवायरनमेंट कहते हैं माहौल। नंबर 3, ग्रास लैंड। ग्रास लैंड्स का क्या मतलब है? चरागाहें, ग्रास लैंड्स चरागाहें, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि गोट काओ वगैरह जो हैं वो ग्रास लैंड्स में जो घास वगैरह छोटे छोटे प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, ये ग्रास लैंड है। ग्रास लैंड्स चरागाहें। नंबर 4, हर्बी वोर्स। हर्बी वोर्स का मतलब है घास खोर, यानी कि द एनिमल्स विच ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बी वोर्स। फॉर एग्जाम्पल, काउ, गोट, रैबिट, दीज आर हर्बी वोर्स। कार्निवोर्स मीन्स गोश्त खोर। कार्निवोर्स आर दोज एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, लॉयन, टाइगर, क्रोकोडाइल, शार्क। नंबर 6, बैलेंस्ड। बैलेंस्ड मीन्स मुतवाजन। बैलेंस्ड, मुतवाजन। नंबर 7, सस्टेनिंग। सस्टेनिंग का मतलब है बरकरार रखना। सस्टेनिंग, बरकरार रखना। ड्यूरेबल मीन्स पायदार। प्रीडेटर शिकारी। वाइल्ड लाइफ, जंगली हयात। इज इट क्लियर? इकोसिस्टम, माहौलियाती निज़ाम, एनवायरनमेंट, माहौल, ग्रासलैंड, चरागाहें, हर्बीवोर्स, घासखोर, कार्निवोर्स, गोश्तखोर, बैलेंस्ड, मुतवाजन, सस्टेनिंग, बरकरार रखना, ड्यूरेबल, पायदार, प्रीडेटर, शिकारी, वाइल्ड लाइफ, जंगली हयात। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आंसर्स ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस। ओपन योर बुक पेज नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स सी। Answers of short questions. Number 1, answer number 1. Define environment.
डिफाइन इन्वायरमेंट? इसका आंसर स्टूडेंट्स सी बुक पेज नंबर 21. ओपन योर बुक पेज नंबर 21. क्वेश्चन इज डिफाइन एनवायरनमेंट. आंसर इज ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस आर कॉल्ड आवर एनवायरनमेंट. इज इट क्लियर? पेज नंबर 21 पर फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन ऑल द लिविंग एंड non-living things around us are called our environment. Number 2, write the names of 3 biotic components of an ecosystem. Students, humne biotic components ke naam likhne hain, 3 biotic components ke naam. आंसर नंबर 2, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर. प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर. 3 मेन बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? सॉरी, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर. इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, write the names of 3 abiotic components of an ecosystem. Answer number 3, light, water and soil. Light, water and soil. Question number 4, draw a simple food chain. Answer is plants, grasshopper, rat, owl. This is the most simple food chain. Plants, grasshopper, rat, owl. Question number 5, if the food resources are increased, what will be the effect of the on the population of the predator? Answer number 5, as the prey population increases,
There is more food for predator. And the prey population decreases the predator population begins to decrease as well. Is it clear? Students, question hamara ye tha ki agar food resources badhengi to population jo hai wo predator ki un par kya effect aayega. Answer number 5. As the prey population increases, there is more food for predator. अगर prey population increase हो जाएगी तो predator की food जो है वो भी increase होगी. इसी तरह prey population decrease होगी तो predator की population भी decrease होना शुरू हो जाएगी. Is it clear? Answer number 6. Write two human activities which are affecting the ecosystem. Answer number 6. See book page number 27. The cutting of forests destroyed the habitats of wildlife. Human beings also started unnecessary hunting of animals. Is it clear? Two activities हमने बतानी है human की जिससे हमारे ecosystem effect हो रहा है. Cutting of forest से बहुत सारे wildlife organisms यानी कि जो wild organisms हैं उनका habitat destroy हो रहा है और over hunting की वजह से बहुत सारी species endangered species बन रही हैं और कुछ extinct हो गई हैं. Is it clear, students? We have completed work for day 6. Students, आपका chapter भी complete हो गया है. आपने अच्छी तरह इसकी reading करनी है, इस lecture को सुनना है और अपनी copies पे इसके notes बनाएं क्योंकि अगर स्कूल खुलेंगे तो आपके टेस्ट होंगे. अगर नहीं खुलेंगे तो जैसे आपके टेस्ट पहले घरों में लिए गए थे इसी तरह आपके टेस्ट लिए जाएंगे. सो बी प्रिपेयर. आपने अच्छी तरह इन लेक्चर्स को 2 से 3 मर्तबा देखना है और अपनी नोटबुक्स पर इनके नोट्स बनाइए और साथ साथ याद कीजिए. अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए. अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.